नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रघुराज सिंह राठौड़ और भूमिपुत्र के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर धनी का प्लॉट लगा हुआ मेरे पीछे, लगभग 17 से 18 दिन का प्लॉट हो चुका है और मैंने एक पास में एक और धनी का प्लॉट लगा रखा है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, पूरा जो जिसमें सिंचाई हो रखी है वो प्लॉट मैंने लगाया। उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो डाला था कि उस प्लॉट को मैंने किस तरीके से लगाया है, उसमें कितना बीज लगाया, कितनी बाई कितनी जगह में, उसके ऊपर पूरा मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और ऊपर कार्ड बटन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो आप जरूर देख ले, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रति एकड़ कितना बीज इस्तेमाल करना है और आपको किस हिसाब से बीजों को ब्रॉडकास्ट करना है ताकि आप अच्छे तरीके से धनिया की खेती कर पाए। किसान साथियों, एक वीडियो मैंने और डाला था कि ऐसे कौन से हाइब्रिड बीज है जिनको लगाकर आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अपनी खेती में। मैंने टॉप 3 सीड्स उस वीडियो में बताएं, तो वो वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको उसको वीडियो को देखने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट अपनी खेती में मिलेगा। किसान साथियों, धनिया की जो खेती होती है उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो खरपतवार की आती है। जैसा कि मैंने पहले दोनों वीडियोज़ में कहा था कि जो धनिया आपका होता है वह जब आप लगाते हो तो आप कहीं ना कहीं आप मुख्य फसल के बाद ही धनिया को लगाते हैं। मुख्य फसल यानी कि कोई किसान इसको जो आपका लहसुन होती है वो निकाल के लगाएगा, कोई प्याज का खेत खाली होता उसमें लगाएगा, कोई मटर का खेत खाली होता उसमें लगाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से सिंचाई हो रखी होती है और अगर ज़मीन आपकी ज़्यादा गीली रहेगी तो खरपतवार सबसे ज़्यादा जर्मिनेट होंगे। इस बात का आप आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि आप किसान इस बात को भली भांति जानते हैं। किसान साथियों, धनिया की फसल में खरपतवार को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं, हमको खरपतवार यहाँ पर कंट्रोल करना ही होगा। धनिया की फसल के अलावा भी अगर कोई फसल हो जिसमें अगर आप खरपतवार को कंट्रोल नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपकी जो मुख्य फसल होती है उसके उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि धनिया की जो आपकी फसल होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पर मेरे पास पूरा प्लॉट लगा है, लगभग 3 साल से मैं धनिया की खेती कर रहा हूँ। हम इसमें कोई भी बेसल डोज यहाँ पर नहीं डालते। हम कौन कौन से हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कौन कौन से हम बेसल उसमें वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल वीडियो आगे जाकर बना दूंगा, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। किसान साथियों, यहाँ पर जो धनिया का प्लॉट है इसमें खरपतवार की समस्या मुझे भी आने लग गई है। किसान साथियों, मैं आपको 2 तरीके की दवाई बताऊंगा। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं करता हूँ इस चैनल पर, ये मेरा पर्सनल चैनल है, मैं इस पर सिर्फ खेती की बातें करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का एडवर्टाइज करता हूँ तो आप अभी के अभी चैनल की सदस्यता निरस्त कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर दवाई का नाम लूँगा तो अधिकतर किसानों को लगेगा कि मैं यहाँ पर एडवर्टाइज कर रहा हूँ। किसान साथियों, आपको 2 कॉम्बिनेशन लेना है मार्केट से। सबसे पहला तो आपको लेना है जो अधिकतर आप इस्तेमाल करते हैं, एट्राजिन। एट्राजिन आपको 50% वाला लेना है। मार्केट में आपको आसानी से कहीं पे और अवेलेबल हो जाएगा, सभी जगह आसानी से मिल जाता है। उसके प्राइस वाइज थोड़ा सा कम ज़्यादा कहीं पे भी हो सकते हैं तो मैं यहाँ पर प्राइस डिक्लेयर नहीं करूँगा। एट्राजिन 50% आपको लेना है। उसके बाद आपको फिनोक्सोप्रॉप इथाइल नाम से एक प्रोडक्ट आता है, 9% में आपको लेना है फिनोक्सोप्रॉप इथाइल। आपको शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक से समझ में ना आए, इसके लिए मैं यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन का डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा, आप स्नैपशॉट ले लीजिए। तो स्नैपशॉट आप ले लीजिए और दुकानदार को कह दीजिएगा तो आपको वह दोनों कॉम्बिनेशन आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो फिनोक्सोप्रॉप इथाइल 9% ईसी प्लस एट्राजिन 50%, ये दोनों आपको लेना है। अब इनको स्प्रे कितना करना प्रति एकड़, हम वो बात कर लेते हैं। आपको स्प्रे करना है इसको 150 ग्राम, 150 ml आपको लेना है फिनोक्सोप्रॉप इथाइल 9% वाला और 150 ग्राम आपको लेना है एट्राजिन 50%। उन दोनों को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से घोल बनाना है। घोल बनाने के बाद आप उसको, जब आप एक बाल्टी में घोल बना ले तो घोल बनाने से पहले आप पानी को माप लीजिए कि आपको कितने स्प्रे पंप लगने वाले हैं, 10 लीटर 15 लीटर के आपकी पूरी जगह में, उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए और प्रति जैसे भी आप पंप का स्प्रे करते हैं उसमें आप उस दवाई को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए तो आपको आसानी से आप उसमें सकरी पत्ती और मोटी पत्ती वाले जो भी खरपतवार है धनिया में उसको कंट्रोल कर पाएंगे और इसमें धनिया के ऊपर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब आपने इस वीडियो का अंत तक देखा है तो मैं आपको एक छोटी सी टिप्स देता हूँ कि आपको किसी भी दवाई का स्प्रे करने के बाद, जो आप सब्जी की खेती करते हैं, किसी भी दवाई का आप स्प्रे करते हो, आप जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा डोज कहीं पर हो जाता है, तो आप उस परिस्थिति में 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए प्रति एकड़। आप
500 ग्राम तक का 1919 स्प्रे कर दीजिए, 1919 वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर आता है, उसके ऊपर भी मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप उसका स्प्रे कर दीजिए, आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे और उससे क्या होगा कि आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वापस से शुरू हो जाएगी। अगर आप धनिया की फसल में जो मैंने दोनों दवाई बताई है उसका स्प्रे करते हो और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या देखने को मिलती है, अगर पीलासपन आपको पौधों पर या पत्तों पर देखने को मिलता है, तो आप उस परिस्थिति में भी 1919 का स्प्रे कर दीजिए, तो आपको इस वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी अच्छे तरीके से चालू हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं धनिया की पत्ती जितनी हरी होगी, जितना कलर ग्रीनिश रहेगा धनिया का, उतना अच्छा आपको मार्केट में रेट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।